क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। टेफ्लॉन कैसे बनता है, क्या बनता है टेफ्लॉन, तो देखिएगा टेफ्लॉन कैसे बनता है। तो टेफ्लॉन लिखिएगा सब कोई, टेफ्लॉन TEFLON क्या है, टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि टेफ्लॉन का फॉर्मूला क्या है, तो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, क्या नाम है इसका, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। इसको टेफ्लॉन बनता है, जब दुकान जाते होंगे कपड़ा वपड़ा खरीदने वहाँ लिखा रहता है टेफ्लॉन वगैरह, ठीक है। टेफ्लॉन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक बाल जान लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो सी है यहाँ पे, डबल बोन सी है, और क्या है, चार फुलरीन है, तो दो फुलरीन इधर रहता है और दो फुलरीन इधर रहता है। देखिए इथाइलिन है तो दो कार्बन हो गया, बीच में डबल बोन हो गया, और टेट्रा लिखा हुआ है, तो टेट्रा मतलब चार होता है, तो दो फुलरीन इधर होगा, दो फुलरीन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बात समझ में आई इतना, ठीक है। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जाए, तो इट इज़ यूज्ड एज रेजिस्टेंट फ्रॉम हीट, हीट से रेजिस्टेंट पाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा। एंड केमिकल्स, और केमिकल्स के लिए भी, केमिकल्स वगैरह को भी क्या करता है ना, कि आने जाने जल्दी नहीं देता है, तो याद रखिएगा केमिकल्स वगैरह इसी में स्टोर भी किए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को एक पॉइंट ये हो गया, याद करके रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा। इसको एक और चीज़ होता है, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर नॉन स्टिकी कुकवेयर्स, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन स्टिकी कुकवेयर्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को याद रख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा, याद रहेगा आप लोग को। अगर बात किया जाए कि कैसे बनता है, ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, अच्छा इसको बात है कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना O2 देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्योंकि पॉलिस्टर है, प्लास्टिक है, तो F2 C डबल बॉन्ड C और F2, तो ये क्या हो जाएगा ना, एक लॉन्ग चेन बन जाएगा, मतलब इसी का ब्रांचिंग रहेगा, ठीक है, याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या हम लोग, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल याद रहेगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पैन है, क्या है इसका फुल फॉर्म है, पैन, PAN, ठीक है, याद रहेगा, PAN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पैन है। ये किस चीज़ का पॉलीमर होता है, तो ये एक्राइलो नाइट्राइल का पॉलीमर होता है, क्या होता है ये, इट इज़ पॉलीमर ऑफ, नाम ही में लग रहा है पॉली यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, इट इज़ पॉलीमर ऑफ एक्राइलो नाइट्राइल, ये क्या होता है, तो एक्राइलो नाइट्राइल का ये पॉलीमर होता है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। एक्राइलो नाइट्राइल का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, मतलब दो कार्बन और लास्ट में क्या हो जाएगा, CN लगा रहेगा, मतलब क्या होगा, साइनाइड। अगर बात किया जाए कि इसका चेन कैसे बनता है, इसका चेन कैसे बनता है, तो परोक्साइड डाला जाता है, क्या डाला जाता है, परोक्साइड, कहने का मतलब क्या है कि NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, CN है। अब हमको इसको लॉन्ग चेन बनाना है, क्योंकि पॉलीमर बनाना है, तो लॉन्ग चेन रहेगा और इसका ब्रांचिंग भी रहेगा, तो क्या डालेंगे, परोक्साइड, तो क्या हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या हो जाएगा, CN, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर से
लॉन्ग चेन। एक और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए सी एन आ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नीचे में जो सी एन होता है ना बुक में, मोस्टली नीचे में सी एन लिखा रहता है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिए, किताब में मोस्टली आपको ऐसे लिखा रहेगा, इधर से सी एन दे देगा और यहाँ से क्या होगा लॉन्ग चेन बना देगा, ठीक है। ओके, अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखिएगा क्या है प्रॉपर्टीज़ किसका, तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का। किसका? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का। तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का कुछ पॉलीमर की बात की जाए, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, ये क्या होता है, इट इज़ हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो होता है पैन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है? इट इज़ हार्ड, कठोर होता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है। और बात किया जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, इट इज़ हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस चीज़ को याद करके रखिएगा। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है भाई, तो इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या करते हैं मैन्युफैक्चर देख लीजिएगा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ओरायन, ठीक है, और इन्हें कपड़ा का क्वालिटी होता है, ठीक है, कपड़ा का होता है वो चीज़ को, ठीक है। एंड एक्रिलीन फाइबर्स, क्या होगा, एक्रिलीन फाइबर्स, ओरियन एंड एक्रिलीन फाइबर। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं ओरियन और एक्रिलीन फाइबर क्या होता है, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग of clothes, ये सब जो होता है क्लोथ्स बनाने में मदद करता है, क्या करता है, क्लोथ्स बनाने में मदद करता है। कौन सा क्लोथ्स भाई, ठीक है, तो कौन सा, तो ब्लैंकेट और कारपेट, ठीक है, क्लोथ्स बनाने में इस्तेमाल होता है, ब्लैंकेट बनाने में, रोवा वगैरह, ठीक है ना, या फिर कारपेट में भी देखिएगा ना, तो ब्लैंकेट जैसे फर होता है, ठीक है, जिसमें फर होगा ना उसको, या फिर इसको बोल सकते हैं जैकेट बनाने में जिसमें फर टाइप आता है ना, वो सब चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? ओरियन और एक्राई लाइन का, याद रहेगा। ओके, तो अब पढ़ना है हम लोगों को क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या देखना है हम लोगों को, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, क्या देखेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन टॉपिक है, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, इसी को बोला जाता है क्या, स्टेप ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, स्टेप ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसी को क्या बोला जाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। नाम में ही है क्या, इसमें मल्टी स्टेप होता है, क्या होता है, मतलब अभी तक जो भी देखे थे वो क्या होता है ना कि सिंगल स्टेप में बन जाता है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट है मतलब अभी से जो भी पढ़ेंगे वो सब मल्टी स्टेप में बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे पॉलीमर्स विच आर फॉर्म आफ्टर more than one step, वैसा पॉलीमर जो कि क्या होता है एक स्टेप से ज़्यादा बार में बनता है उसको क्या बोला जाता है, तो स्टेप पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, पॉली एमाइड, ये सब क्या है, इसका
एग्जाम्पल है। तो वैसा पॉलीमर या वैसा प्लास्टिक, पॉलीमर मतलब क्या है, प्लास्टिक, जो कि क्या होता है, सिंगल स्टेप से ज़्यादा बनता है, मोर देन वन स्टेप में बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, पॉलिस्टर या फिर पॉलीअमाइड। ठीक है, अगर बात किया जाए पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर कैसे बनता है, तो देखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए पॉलिस्टर का, तो पॉलिस्टर कैसे बनता है देखिएगा। पॉलिस्टर, क्या है, पॉलिस्टर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिखिएगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में क्या है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ पॉलीमर कंटेनिंग स्टर लिंकेज। क्या उसको देखो, वैसा पॉलीमर जिसमें स्टर लिंकेज होता है, ठीक है, उसको पॉलिस्टर बोलते हैं। ठीक है, देखो नाम पॉलीस्टर, नाम देखो तुम लोग है ना, पॉलिस्टर पॉलिस्टर बोलते हैं, लेकिन आम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर सिर्फ बोल देते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ, इसमें भी केमिस्ट्री है। पॉली मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन, मतलब कि एक पॉलीमर, और इस्टर, तो वैसा पॉलिस्टर, वैसा पॉलीमर जिसमें क्या होता है, बोलिए, वैसा पॉलीमर जिसमें क्या होता है, इस्टर लिंकेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलिस्टर। तो लिखेंगे द पॉलीमर्स, पॉलीमर्स विच हैज इस्टर लिंकेज, वैसा पॉलीमर जिसमें क्या होता है, इस्टर लिंकेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। ठीक है, दीज आर, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइओल्स एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे प्रिपेयर होता है, दीज आर प्रिपेयर्ड, लिखेंगे दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइओल्स। डाइओल्स का मतलब क्या होता है, ओल लगा हुआ है, ओल का मतलब क्या, अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल एंड डाई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या है, देखो पॉलिस्टर किसको बोलते हैं, जिसमें इस्टर लिंकेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर बोलते हैं। दीज आर प्रिपेयर, ये कैसे प्रिपेयर होता है, तो डाइओल मतलब अल्कोहल से, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जब मिक्सअप करते हैं तो बनेगा, याद रहेगा। अगर बात किया जाए आम जो सबसे ज़्यादा जो पॉलिस्टर है वो कौन सा पॉलिस्टर है, तो टेरिलीन है। कौन सा है, टेरिलीन। ठीक है, जो आम सबसे ज़्यादा जो कॉमन है पॉलिस्टर, वो किसका नाम क्या है, टेरिलीन। इसी को क्या बोला जाता है, डेक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्रोन, याद रहेगा, टेरिलीन बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेक्रोन। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट, ये कैसे बनता है, तो इट इज़ पॉलीमर ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। ये कैसे बनता है, तो इट इज़ पॉलीमर ऑफ, लिखेंगे इट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। तो कैसे बनता है, इट इज़ पॉलीमर ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल। ये इथाइलीन ग्लाइकोल से क्या होता है, ये बनता है एंड टेरी फैटैलिक एसिड। किसे बनता है, एंड टेरी टेरीफैटैलिक एसिड। ठीक है, इससे बनता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, टेरी फैटैलिक एसिड, इस चीज़ को एकदम दिमाग में लगा लीजिए, रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कितना केल्विन पे, टेम्परेचर याद कर लीजिएगा, 420 से 460 केल्विन पे, कितना, 420 टू 460 केल्विन, टेम्परेचर कितना चाहिए, एट 420 केल्विन। कहने का मतलब क्या है कि जब इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफैटैलिक एसिड को जब 420 और 460 केल्विन पे जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन बनेगा। क्या बनेगा, टेरिलीन, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें, अगर ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट भी ज़रूरी होता है, कौन सा कैटलिस्ट है, तो याद कर लीजिए जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। क्या इसके कैटलिस्ट का नाम क्या है, जिंक एसीटेट एंटीमनी, कैटलिस्ट यहाँ पे होता है, कैटलिस्ट का नाम क्या है, तो जिंक, ठीक है,
एसीटेट एंटी मनी, क्या नाम है, जिंक एसीटेट एंटी मनी ट्राइऑक्साइड, जिंक एसीटेट एंटी मनी ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ये यहाँ पर कैटलिस्ट रहेगा तभी ये रिएक्शन कर पाएगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज़ लो मॉइस्चर कंटेन, ड्यूरेबल होता है, इट इज़ लो मॉइस्चर कंटेन, इट इज़ लो मॉइस्चर कंटेन, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ही कम होता है, याद रखिएगा, ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, इट इज़ ड्यूरेबल, ये क्या है, ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, इस चीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ड्यूरेबल, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है, तो बेल्ट में, ठीक है, टायर कॉर्ड्स में, इट इज़ यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड इन बेल्ट्स टायर, ठीक है, बेल्ट टायर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि इसको हेलमेट में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेफ्टी हेलमेट में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हार्ड होता है इसलिए, ठीक है, हेलमेट, ठीक है, टेरिलिन बोलते हैं, टेरिमिल, हेलमेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट होता है ना, वो किसी से बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है इस चीज़ के लिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ओके, तो अब बात करते हैं क्या कि आखिर बनता कैसे है डेक्रॉन, ठीक है, तो आपको बताए थे कि डेक्रॉन या फिर टेरिलिन, ठीक है, डेक्रॉन या फिर टेरिलिन कैसे बनता है भाई, तो इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, इथिलीन 1,2 डायोल, इथिलीन लिखा हुआ है, दो कार्बन हो गया, ठीक है, इधर भी क्या होगा OH, और इधर भी क्या हो जाएगा OH, याद रखिएगा, इथिलीन 1,2 डायोल, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टेरिफेटेलिक एसिड, इसका याद तो रहेगा नहीं आप लोग को, जिसका नाम लिख दिए हैं, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन यहाँ पे है, और फर्स्ट पे और फोर पे क्या है, फर्स्ट पे और फोर पे क्या है, डाइक, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एक इधर भी COH है, इधर भी COH है, ठीक है ना, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डेक्रॉन बनेगा, एग्जाम में क्या करेगा, इससे स्ट्रक्चर को दे देगा, बोलेगा स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको बताना होगा क्या है, तो डेक्रॉन है, क्या है, डेक्रॉन है, ठीक है, तो इस चीज़ में याद रख लीजिए। अगर बात करा जाए कैसे बनता है, देखिएगा, यहाँ CH2 है, तो CH2 यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, तो यहाँ पे OH था, तो एक हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, सिमिलरली क्या कर, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लॉस करके इसको कंबाइन कर लेगा, तो देख रहे हैं, इसको कंबाइन कर लिया ये चीज़, और यहाँ भी, और ये वाला OH और ये वाला OH क्या हो जाता है, बाद में जा करके H2O बना देता है, यहाँ पर 2N-1H2O लिखा हुआ है, N क्या है, तो बैलेंसिंग है, इसको बैलेंस करके, आपको इतना याद नहीं रखना, आपको डेक्रॉन कैसे याद रखना है, यहाँ से H लॉस हो जाएगा, यहाँ से H लॉस हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर जाके कंबाइन कर जाएगा, ठीक है, तो जाके कंबाइन कर जाएगा, फिर आगे जाकर अपना प्रोडक्ट बना देगा। बस देखिए, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ याद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पहचानने के लिए कर लीजिएगा, डेक्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, बस ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।